अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। को पान जाने बारे नमाज से वेलकम कहते हैं आज आपको। आज हमारा टॉपिक है हरीफन पॉइंट। हरीफन पॉइंट के हमारे पास कम से कम 8 पौधे लगे हुए हैं टाइम, और 8 के 8 पौधे टाइम तार हो चुके हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, देख लें ये सब को सब चलने शुरू हो गए हैं। देख लें लीव इसका निकल आया, इसका लीव निकल आया, दूसरा लीव देखें निकल रहा है इसका, ये देखें इसका लीव निकल रहा है, देख लें हरीफन अब चलना शुरू हो चुका है। अब आपने इसके पॉइंट के साथ क्या टिप्स सुन ले यहाँ पहले, उसके बाद बताता हूँ उसको आपने खाद कौन सी देनी है, ठीक है। पहले क्या टिप्स सुन लें आप, क्या टिप्स ये है कि इसको आपने धूप में रखना है। मैं धूप में रखा हुआ, कितनी धूप इसको आ रही है मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद पानी, पानी इसको आपने एक बार देना है बस, दूसरी बार इसको पानी आपने दिन में नहीं देना। गर्मियाँ और सर्दियाँ आपने पानी एक बार देना है इसको, ठीक है। खाद हमेशा आपने इसको केमिकल खाद डालनी है, याद रखना। ये बच्चे देता है, मतलब इसका बल्ब होता है, बल्ब के साथ इसके काफ़ी सारे बच्चे बनते हैं। और एक बात हो, इस पर फूल लगते हैं, वो फूल शाम की तरह खिलता है, वो कब खिलकर कब ख़त्म हो जाता है, उसके बाद 7 बीज बनते हैं। उन बीजों को सेव कर लिया करो, उन बीजों से मैंने इतने ज़्यादा हरीफन कर लिया, देख लो पॉइंट, ठीक है। मेरे पास ये एक हरीफन पॉइंट था, ठीक है, और ये पीछे एक पड़ा हुआ है, बस ये दो थे मेरे पास, और दो से आज देखो मैंने 8 कर लिए हैं। आप लोग भी कर सकते हो कैसे, ये देखो ये एक हरीफन पॉइंट है, देख लो इसके साथ ही एक बच्चा निकल रहा है, ये देख लो ऐसे बच्चे निकलते हैं इसके, आप लोग भी ले सकते हो। बस क्या है? आपको खाद का पता होना चाहिए, इसको NPK खाद डाल लो, ये तो यूरिया खाद डाल लो, ठीक है। मैं तो सिर्फ यूरिया खाद डालने वाला हूँ, पोटर डाली, ठीक है, पीसी यूरिया खाद डालने वाला इसको मैं। ये देख लें यूरिया खाद मैं डाल चुका हूँ, ये मेरे पास यूरिया खाद पोटर है, दानेदार नहीं है, क्यों मैं दानेदार नहीं ली, मैंने यूरिया खाद का पोटर लिया था, ठीक है। पोटर भी यूरिया खाद का मिल जाता है, दानेदार ही मिल जाती है, मैंने पोटर लिया है, क्यों पोटर आसानी से मिस हो जाता है। ये हम बस इसमें डाले जाएंगे, देखें, ठीक है, इतना इतना बस, आधा चम्मच चाय वाला आपने डाल देना सब पौधों के बीच, देख लें, बस ये डालकर आपने पानी दे देना, ये पोटर मिस हो जाएगा। ये हम क्यों डाल रहे हैं, इसी डाल रहे हैं कि उस पर पत्ते आए, लीफ आए, वो फ्रेश आए और सारा बड़े आए, ताकतवर आए, और हमारे पौधे को चलने में मसला ना आए, इसलिए ये खाद हम डाल रहे हैं, ये बात याद रखना। कभी चल पड़ेंगे ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ शुरू कर लेंगे, उसके बाद हम इनको NPK खाद डालेंगे, उससे पहले NPK खाद आपने नहीं डालनी, ये बात याद रखना। टोटल सारी मालूम मैं आपको हरीफन के दे चुका हूँ, आपने कोई इसकी बात पूछनी हो मुझसे पूछ सकते हैं। एक बात और याद रखना, इसकी कलम कभी ज़िंदगी नहीं लगती, कोई कहेगा कलम लगा लो, नहीं लगती भाई कलम। हाँ, इसका आप बल्ब लगा सकते हो, कैसे, ये एक छोटा बल्ब लगा हुआ है, इसको अलग करके लगाओगे ये चल पड़ेगा, कभी चल पड़े इसको आप तब अलग करना, अभी अलग ना करना इसको, क्योंकि अभी ये पत्ता काटने वाला है, ये एक बच्चा इसके साथ देख लो, ठीक है। ये आपको पास मैं ज़्यादा कुछ शो कर चुका हूँ हरीफन पॉइंट का, देख लें इसके लीफ काफ़ी बड़े, मेरे हाथ से काफ़ी बड़े बड़े इसके लीफ हैं, ठीक है। फिर इसके दूसरे पार्ट में मुलाकात करेंगे आपसे, कब इसके काफ़ी अच्छी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, कब इसके फूल और कलियाँ खिलने शुरू हो जाएंगी इसके ऊपर, ठीक है। फिर अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।